अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैसनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स। दो एनिमल्स की हम बात कर चुके हैं, एक अमीबा है एक हाइड्रा है। दो एनिमल्स रह गए हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से न्यूट्रिशन होती है प्लेनेरिया के अंदर और कॉकरोच के अंदर। प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो प्लेनेरिया थर्ड फाइलम से बिलोंग करता है, जिसे हम प्लैटीहेल्मिन्स कहते हैं। प्लैटीहेल्मिन्स जो हैं, इनका एक फीचर तो ये होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल रिबन शेप होती है, बहुत पतली सी बॉडी होती है, चपटी सी बॉडी होती है। एंड दैट इज़ वाई इनके जो सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो इनके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिलता है। काफ़ी सारे इसमें से ऐसे हैं जो कि पैरासाइट होते हैं, तो पैरासाइट्स के अंदर तो डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपने पढ़ा होगा कि उनकी जो इंटेस्टाइन वगैरह है वो या तो बहुत रिड्यूस होती है, कम्प्लीटली एबसेंट होती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया वो एग्जाम्पल है कि जो फ्री लिविंग है। अब फ्री लिविंग है तो ये अपना अकेले ज़िंदगी गुजारता है, शिकार करता है, फिर शिकार को अंदर लाने के बाद डाइजेस्ट भी करेगा। तो हमने देखना है कि किस तरह से इसके अंदर इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और इजेशन होती है। तो प्लेनेरिया जो है ये फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है, यानी पैरासाइट नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, किसी से बना बनाया खाना नहीं लेता, यानी सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करता बल्कि खुद जो है वो डाइजेस्ट करता है, खुद शिकार करता है, ठीक है, और ख़ुद डाइजेस्ट करता है। कार्निवोरस है, जिस तरह से आपके पीछे वाले मेंबर्स जो थे, हाइड्रा जो था वो कार्निवोरस था, शिकार कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह ये भी शिकार करता है। किसका? वर्म्स का, क्रस्टेशियंस का, स्नेल्स का और डेड एनिमल डेब्री। तो डिफरेंट टाइप की इसकी फूड है, डिफरेंट टाइप की इसकी जो है वो एपेटाइट है। किस तरह से प्लेनेरिया को पता लगता है, तो इसके पास सेंसरी सिस्टम मौजूद होता है, नर्वस सिस्टम हमने देखा था इसके पास मौजूद होता है, उसके थ्रू ये परसीव करता है फूड को जो है वो, तो उससे पता लगता है कि फूड पार्टिकल्स मौजूद हैं इसके सराउंडिंग में। एक बार जब पता लग जाता है तो फिर ये मूव करता है उसकी तरफ, देन इसकी बॉडी से कुछ सीक्रीशंस निकलती हैं, एक तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम म्यूकस ग्लैंड्स कहते हैं। ये एक चिपचिपा सा मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जिसे म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस जो है ना, ये उसे ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, उसके साथ स्टिक हो जाता है, तो शिकार जो है ना वो कहीं और जा नहीं सकता। तो जैसे ही शिकार जो है वो इसके म्यूकस में ट्रैप हो जाता है, इसका जो फेरिंग्स है वो बाहर आता है, एवर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक शीट है जिसे फेरिंजियल शीट कहते हैं, ये समझ लें एक अदर ट्यूब की तरह है, ठीक है, ये फेरिंजियल शीट है। इसके अंदर ये जो है, ये जो नज़र आ रही है आपको, ये फेरिंग्स है। तो ये फेरिंग्स जो है ना, ये अंदर से बाहर आता है, ये फेरिंग्स इस तरह से अंदर से बाहर आता है। ये जो ओपनिंग है जिससे ये बाहर आ रहा है, ये माउथ है, और ये जो पूरी शीट बनी है ये फेरिंजियल शीट कहलाती है। ये फेरिंग्स बाहर आता है, फॉर एग्जांपल ये कोई छोटा सा एनिमल है तो ये यहाँ से अंदर चला जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है कि जिसे हम इंजेशन का नाम देते हैं। तो फेरिंग्स कहाँ से आता है भाई? माउथ से बाहर आता है। अब ये माउथ कहाँ है? तो ये मौजूद है मिड वेंट्रल सरफेस पे। देखिए आपको पता है वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस किसे कहते हैं। अगर आप अपना हाथ जो है वो सीधा रखें तो एक सरफेस हाथ की वो होगी जो कि आसमान की तरफ होगी, ये डॉर्सल सरफेस है, और एक सरफेस वो होगी जो कि ज़मीन की तरफ होगी, ये वेंट्रल सरफेस है। तो ये जो है ये इसकी वेंट्रल सरफेस है, यानी अगर ये पानी पे पड़ा होगा ना तो आपको ये वाली सरफेस नज़र नहीं आएगी, आपको इसके पीछे वाली सरफेस नज़र आएगी। ये कब नज़र आएगी? जब आप इसे उठाएंगे और पलटेंगे। तो ये वेंट्रल सरफेस है, यानी ये ज़मीन की तरफ थी, और मिड वेंट्रल सरफेस का मतलब वेंट्रल सरफेस के बिल्कुल दरमियान में। तो यहाँ पर ये माउथ मौजूद होता है कि जिसके ज़रिए फेरिंग्स बाहर आता है, फेरिंजियल शीट्स है। तो इंजेस्ट करता है और इंजेस्ट करने के बाद ये दोबारा से वापस अंदर चला जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ से स्टार्ट होती है डाइजेशन। इसके अंदर अगेन दो तरह की डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है। इसका जो फेरिंग्स है ये मस्कुलर होता है, इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है। तो यहाँ से मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है, प्लस एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि इसे डाइजेस्ट करवाना शुरू करते हैं। फेरिंग्स से होता हुआ, यहाँ से अगर आप देखें तो ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स से होता हुआ ये आ जाता है इस ब्लैक स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो बड़े से दो तीन ब्लैक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं आपको, ये इंटेस्टाइन है, और इसकी जो इंटेस्टाइन है वो ब्रांच्ड होती है। एक इसकी ये वाली ब्रांच है, दिस इज़ कॉल्ड एंटीरियर ब्रांच, और एक इसकी साइड में ब्रांचेज है दो, ये लैटरल ब्रांचेस कहलाती हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की ब्रांचेस उसके अंदर मौजूद होती हैं। खाना इन इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन में एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि इन्हें कम्प्लीटली बहुत हद तक जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इन्हीं इंटेस्टाइन की ब्रांचेस से आपको कुछ बारीक बारीक से स्ट्रक्चर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि पूरी की पूरी प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। ये बारीक बारीक से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये कहलाते हैं डाइवर्टिकुला। तो ये अगर हमारे पास इंटेस्टाइन है, इसको अब मैं बड़ा करके बना रहा हूँ खोल के, तो इससे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बारीक बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड डाइवर्टिकुला। और ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड का मतलब इनका जो एक एंड है वो तो ओपन है और दूसरा एंड जो है ना वो बंद है।
और ये जाकर पेनिट्रेट करते हैं बॉडी के टिश्यूज़ में, तकरीबन सेल्स तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इसके अंदर किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो खाना यहाँ पर डाइजेस्ट होगा, ठीक है, वो डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पर चला जाएगा डायवर्टिकुला में, और डायवर्टिकुला इतना, जिस तरह आपकी कैपिलरीज होती है ना वो टिश्यूज़ के लेवल तक जाती हैं, सेल्स के लेवल तक जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह ये डायवर्टिकुला इतना अंदर तक घुसे हुए होते हैं कि ये डायरेक्टली सेल्स को जो है, या जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसको फूड पार्टिकल सप्लाई कर देते हैं। तो इन्हें ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें किसी सर्कुलेटरी फ्लूइड की, किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वही इस काबिल है कि वो दूर दूर तक बॉडी के सेल्स तक जो है वो खाना पहुँचा सके बाय द हेल्प ऑफ डायवर्टिकुला। तो ये डायवर्टिकुला बेसिकली करते क्या हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जिस तरह हमारी इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है विलाए होते हैं, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके होने से क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो अब यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ से भी, 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 और यहाँ से भी, 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 तो हर तरफ से जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो डायवर्टिकुला बेसिकली इंक्रीज करवाते हैं सरफेस एरिया। अब जो खाना डाइजेस्ट होकर यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ है वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, उसे फर्दर थोड़ी बहुत डाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो वो डाइजेशन कहाँ होती है, वो सेल में जाने के बाद, अगेन सेल में लाइसोसोम्स मौजूद होंगे, उनके जो एंजाइम्स हैं वो फर्दर उसे कम्प्लीटली डाइजेस्ट करेंगे। तो इसके अंदर भी एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन होती है, ठीक है, हाइड्रा के अंदर भी दोनों तरह की डाइजेशन थी। जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो इसी माउथ के जरिए, इसी ओपनिंग के जरिए जो है वो बाहर आ जाएंगे इंटेस्टाइन से, ठीक है, जिस स्टेप को हम नाम देंगे इजेशन का। तो चूंकि इसके अंदर भी ये वाला टाइप है जिसके अंदर एक ओपनिंग होती है, इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, या इसे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। तो हाइड्रा के अंदर भी इनकम्प्लीट या सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम था, और प्लेनेरिया के अंदर भी इसी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। द लास्ट वन इज कॉकरोच। कॉकरोच जो है ये बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से, फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा जिन्हें हेक्सापोडा भी कहते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं सारे के सारे। कॉकरोच बहुत कॉमनली पाया जाता है हमारे किचन्स के अंदर, वैसे तो हर जगह पाया जाता है, हॉस्पिटल्स में तो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है हमारे। तो कॉकरोचेज जो हैं उनका अगर आप वो देखें न्यूट्रिशन किस तरह की है, तो दे आर ओमनीवोर्स, ठीक है, जिस तरह हम ओमनीवोर्स हैं, हम दोनों तरह के मटेरियल जो है उनके ऊपर फीड करते हैं, यानी मीट भी, ठीक है, और आपका जो है वो प्लांट्स भी, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर फीड करते हैं हम। बिल्कुल इसी तरह जो कॉकरोच है वो भी ओमनीवोर है, ये तो किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मैटर जो है वो खा सकता है। कैसे सर्च करता है फूड को, तो इनके पास एंटेना मौजूद होते हैं जिसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो डिफरेंट केमिकल्स को और डिसॉल्व केमिकल्स को, या फिर हवा के अंदर जो केमिकल, जिस तरह हमारी नोज़ के अंदर केमिकल्स हैं, जब खाना पक रहा होता है तो स्मेल आती है, हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई खाना पक रहा है, और हमें ये भी पता होता है कि स्मेल आ कहाँ से रही है, ठीक है, तो हम ट्रेस कर सकते हैं उसे। बिल्कुल इसी तरह अगर जो है वो हमारी जो टंग है उसके ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उनके ज़रिए भी हम जो है वो फूड को डिटेक्ट कर सकते हैं अगर ज़बान पे कुछ रखा जाए। तो इनके जो एंटेना है उनके ऊपर भी इसी तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, एंटेना मूव करके ये हवा के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उन्हें देखते हैं, उन्हें सेंस करते हैं, और इस तरह से ये अपने खाने का पता लगाते हैं। इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारी तरह का होता है, जिसे हम कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, या जिसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं, जिसके अंदर दो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, एक को हम माउथ कहते हैं जो कि इंजेशन के काम आती है, और एक को हम एनस कहते हैं जो इजेशन के काम आती है। अब माउथ जो है ना इनका, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये मैंने चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ाया था कि इंसेक्टा जो होते हैं ना उनके अंदर डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट तरह के माउथ पार्ट्स मौजूद होते हैं, जो कि उनकी फीडिंग हैबिट के मुताबिक होते हैं। तो इसके अंदर भी डिफरेंट तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं, ये माउथ पार्ट्स के नाम पूछते हैं। तो एक लैब्रम है जिसे अपर लिप का नाम देते हैं, एक लैबियम है जिसे लोअर लिप का नाम देते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी कैसे नज़र आते हैं। देन मैंडिबल्स हैं और मैक्सिला हैं। मैक्सिला जो है ये पिक करते हैं फूड को और मैंडिबल्स तक लेकर आते हैं। मैंडिबल का काम होता है मैस्टिकेशन। आपका जो लोअर जॉ है वो मैंडिबल है, जिस बोन पे लगा हुआ है वो मैंडिबल है। तो इसका काम देखें, आपका जो मुंह है ना, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, तो जो अपर जॉ है आपका, जो ऊपर वाले दांत है ना, वो फिक्स है, वो मूव नहीं करते। हम जब भी माउथ, जब भी हम मुँह की मूवमेंट दिखाते हैं, तो हम हाथ से दिखाते हैं ना, तो हम दोनों साइड्स को मूव करते हैं, लेकिन एक्चुअली आपका अपर साइड जो है वो फिक्स है, आपका लोअर जॉ जो है ना वो मूव करता है सिर्फ। तो वो मैंडिबल है।
तो बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर भी मैस्टिकेशन जो है वो मैंडिबल्स करवाते हैं, मैक्सिला का काम होता है खाने को पकड़ के लेकर आना, ठीक है, और लैबरम और लैबियम जो है वो खाने को बाहर जाने से रोकेंगे, जिस तरह हमारे लिप्स का काम होता है। देन जो ओरल कैविटी होती है इसकी, जिसके अंदर फूड आती है, जिस तरह हमारी ओरल कैविटी होती है, तो वहाँ पर सलिवरी ग्लैंड्स खुलते हैं। तो इन सलिवरी ग्लैंड्स के अंदर सलाइवा होता है जो कि फूड के साथ मिक्स हो जाता है और उसे सॉफ्ट करता है, और इसके अंदर अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट करवाता है। तो ये यहाँ पर इतना अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा, ये है, ये जो साइड में नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सलिवरी ग्लैंड, और ये सलिवरी ग्लैंड जो है ये ऊपर ओपन हो रहा है इसकी ओरल कैविटी के अंदर। तो यहाँ से जो है ये डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ओरल कैविटी के बाद एक छोटा फेरिंग्स होगा, ठीक है, फेरिंग्स के बाद एक अदर ट्यूब होगी जिसे आप इसोफेगस का नाम देंगे, इसमें इतनी क्लियर नहीं है। अब इसोफेगस के बाद जो है ना हमारे पास स्टमक आता है हमारे अंदर, लेकिन इनके अंदर दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जैसे क्रॉप का नाम देते हैं, क्रॉप के बाद एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे गिजर्ड का नाम देते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी से लेकर ऊपर से लेकर इस गिजर्ड तक का जो पार्ट है, यानी इतना जो इस हिस्से के अंदर जो भी आ रहा है, ये कहलाता है फोरगट, या इसे स्टोमोडियम भी कहते हैं, ठीक है। तो फोरगट जो है ये ओरल कैविटी से लेकर गिजर्ड तक का पार्ट होता है। गिजर्ड के बाद जो है ना ये आपको कुछ ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, बारीक बारीक सी ट्यूब नज़र आ रही हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं हेपेटिक सीकाए। उसके बाद एक अदद आपको वो नज़र आ रही है, ट्यूब नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड मिजेंट्रॉन। तो ये हमारे पास जो है ना ये ख़त्म होती है यहाँ पे, जहाँ पर ये बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली हेयर लाइक नहीं है, ये पूरी की पूरी ट्यूब्स हैं, बारीक बारीक ट्यूब्स हैं, जिन्हें मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, जो कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स आर मेलफीजियन ट्यूब्यूल, तो ये मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। तो गिजर्ड के बाद हेपेटिक सीका से लेकर मेलफीजियन ट्यूब्यूल तक का जितना पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना पोर्शन है, ये कहलाता है मिडगट, या इसे मिजेंट्रॉन भी कहते हैं, तो मिडगट या मिजेंट्रॉन। उसके बाद मेलफीजियन ट्यूब्यूल के बाद का जितना भी पोर्शन है, यहाँ से लेकर आखिर तक, एनस तक, तो ये बेसिकली कहलाता है हमारे पास हाइंडगट, जिसे प्रोक्टोडियम भी कहते हैं। तो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में, फोरगट में जो कि ओरल कैविटी से लेकर गिजर्ड तक है, उसके बाद मिडगट या मिजेंट्रॉन जिसे कहते हैं वो दरमियान वाला पार्ट है हेपेटिक सीका से लेकर मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स तक, और मेलफीजियन ट्यूब्यूल से आखिर जो है वो रेक्टम या एनस तक जो है जो पार्ट है वो कहलाता है हाइंडगट, या जिसे आप नाम देते हैं प्रोक्टोडियम का, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि भाई इन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या काम होता है। मैंने आपको बताया माउथ जो है उसके बाद एक छोटा सा एरिया होगा जिसे आप फेरिंग्स कहेंगे, आपको बताया फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज होता है, उसके बाद वो उस ट्यूब के अंदर खुलेगा जिसका काम जो है वो खाना ले जाना होता है, दैट इज़ कॉल्ड इसोफेगस। इसोफेगस के बाद एक पेयर शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी तरह का, पेयर किसे कहते हैं यार, अमरूद, तो उसकी तरह का एक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। अब इस क्रॉप के अंदर जो है ना ये होती तो है डाइजेशन, लेकिन क्रॉप में और स्टमक में फ़र्क क्या है? आपको पता है स्टमक के अंदर अपने एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होती है वो जिन एंजाइम्स के जरिए होती है वो स्टमक में ही प्रोड्यूस होता है, जबकि क्रॉप के अंदर ऐसा नहीं होता। क्रॉप के अंदर डाइजेशन होती तो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन वो जो एंजाइम्स है ना वो यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि वो प्रोड्यूस होते हैं अगले पार्ट से, जिसे मिडगट या मिजेंट्रॉन कहते हैं। उसके अंदर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिन्हें हेपेटिक सीकाए कहते हैं, ये हेपेटिक सीकाएँ हैं जिसके अंदर से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं यहाँ से, और एंजाइम रिलीज होकर वापस जाते हैं क्रॉप के अंदर, पीछे की तरफ जाते हैं क्रॉप के अंदर, और फिर ये जो है वो डाइजेस्ट करवाते हैं फूड पार्टिकल्स को, ठीक है जी। उसके बाद आता है थिक वॉल्ड गिजर्ड, ठीक है, गिजर्ड के अंदर जो क्यूटिक जो गिजर्ड जो है ना उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जो दांतों की फॉर्म में होती है। अब ये जो दांतों की फॉर्म में है, यहाँ पर बेसिकली फूड को ग्राइंड किया जाता है। तो इस गिजर्ड के अंदर ये जो छोटा सा आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये अगर क्रॉप है तो क्रॉप के बाद ये छोटा पोर्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड गिजर्ड। यहाँ पर फूड की ग्राइंडिंग होती है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली मैकेनिकल डाइजेशन होती है, दांतनुमा स्ट्रक्चर जो है वो फूड को पीसते हैं। तो देखें ये दोनों काम हमारे यहाँ स्टमक के अंदर होते हैं, स्टमक की जो वॉल होती है वो उसे स्क्वीज़ करती है फूड को, तो मैकेनिकल इफेक्ट भी मिलता है, और स्टमक ही एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करते हैं, जबकि इसके अंदर जो क्रॉप है वहाँ पर केमिकल डाइजेशन हो रही है लेकिन एंजाइम वहाँ से प्रोड्यूस नहीं हो रहे, लेकिन इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन नहीं हो रही, मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो गिजर्ड के अंदर हो रही है, ठीक है जी। तो गिजर्ड के अंदर क्यूटिकल है जो कि दांतों की फॉर्म में होते हैं, जो ग्रेन करते हैं और स्ट्रेन करते हैं फूड को। मैंने बताया कि ओरल कैविटी से लेकर फोरगट तक का जो पार्ट है
उसे उसे फोरगेट का सॉरी कहाँ तक का, गिजर्ड तक का जो पार्ट है उसे फोरगेट भी कहते हैं और उसे स्टमोडियम भी कहते हैं। गिजर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी होता है, गिजर्ड से जब फूड निकलती है ना तो वो कवर्ड हो जाती है एक अदद, समझे कवरिंग के अंदर, एक अदद रैपर के अंदर कवर हो जाती है। इस रैपर का एक फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है भाई, जो मिड गट है ना उसकी लाइनिंग थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, ये जो मिड गट है इसकी लाइनिंग, इसकी जो दीवार है, इसकी जो वॉल है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है और फूड पार्टिकल्स जो है ना वो स्क्रैच कर सकते हैं उसे। तो इसी वजह से जो फूड पार्टिकल्स हैं, ये जो गिजर्ड है ना, ये अगर इसके अंदर फूड पार्टिकल्स हैं तो ये क्या करता है, इनके ऊपर एक अदद शीट चढ़ा देता है। ये शीट क्या करती है, ये शीट मिडगट को जो है वो बचाती है स्क्रेपिंग से, स्क्रैच होने से, डैमेज होने से बचाती है। लेकिन ये परमिएबल टू एंजाइम्स है, मिडगट के अंदर जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो इसको परमिएट करते हैं और अंदर चले जाते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ उसके लिए भी परमिएबल होती है, जो 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 डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते जाते हैं वो बाहर आते रहते हैं, वो एब्जॉर्ब होते जाते हैं। हाँ भाई, तो मिडगट और जिसे मेसेंट्रॉन का नाम भी देते हैं, उसके अंदर ये हेपेटिक सीका से स्टार्ट होता है, 8 के करीब हेपेटिक सीका है जो कि हीमोसील के अंदर होते हैं। हीमोसील इनकी बॉडी की स्पेस को कहते हैं जिसके अंदर ब्लड पड़ा हुआ होता है, और ये ब्लाइंड होते हैं, एक तरफ से इनकी ओपनिंग होती है, जो एरिया इनका यहाँ खुल रहा है मेसेंट्रॉन के अंदर वहाँ पर इनकी ओपनिंग होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वो ये क्लोज होते हैं, तो ये ब्लाइंड ट्यूब कहलाती है। इसके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, वो ग्लैंडुलर सेल्स एंजाइम सीक्रेट करते हैं, यहाँ से जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं मिडगट से जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, दोनों एरिया से जो एंजाइम है ये जाते हैं क्रॉप के अंदर जहाँ पर प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड जो है मैंने आपको बताया कि बोलस की फॉर्म अख्तियार कर लेती है और उस बोलस के ऊपर कवरिंग चढ़ती है, किसकी, काइटिन की। कौन चढ़ाता है, ये गिजर्ड चढ़ाता है। फंक्शन क्या होता है इसका, ताकि जो मिडगट की लाइनिंग है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके फूड पार्टिकल से। लेकिन ये इम्परमीएबल नहीं होती, बल्कि एंजाइम्स को और डाइजेस्टेड फूड को अलाउ करती है, तो एंजाइम्स अंदर जा सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं और डाइजेस्टेड फूड बाहर आ सकती है ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। तो डाइजेशन जो है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अगला जो हिस्सा है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है मिडगट के अंदर। तो मिडगट के अंदर जो एंजाइम्स इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद थे वो इसे डाइजेस्ट करते रहते हैं, और जैसे जैसे ये मिडगट से गुजरती जाती है वैसे वैसे जो जो डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल हैं वो एब्जॉर्ब होते जाते हैं। मिडगट यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स पे, और यहाँ से हाइंडगट स्टार्ट होती है। अब हाइंडगट के हमारे पास क्या पार्ट्स हैं, तो एक पहला इसका पार्ट है जिसे हम इलियम कहते हैं, ये छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू आर इलियम, और एक लंबा पार्ट होता है जिसे कोलन का नाम देते हैं। कोलन के बाद जो है वो रेक्टम आता है, एंड देन देयर इज़ एन ओपनिंग दैट इज़ कॉल्ड द एनस। तो इलियम के अंदर जो है वो फर्दर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है, अब इसके बाद कोलन जो है यहाँ पर मेनली होता ये है कि ये जो मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स हैं इनका काम एक्सक्रीशन है। ठीक है, ये भी एक ब्लाइंड ट्यूब होती है, तो इसके अंदर चूंकि इसकी जो कैविटी है जिसके अंदर ब्लड पड़ा हुआ है ये हीमोसील कहलाती है। ठीक है, और इसका जो ब्लड है वो हीमोलिम्फ कहलाता है, तो उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल जो है वो इसके अंदर आता है मेलफीजियन ट्यूब्यूल में, और फाइनल एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी वेस्ट होता है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है इसी एरिया में। अलग से इनके पास एक्सक्रीशन के लिए वो नहीं है, सिस्टम नहीं है, यूरिन पास करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, तो जो भी वेस्ट होता है इनका वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड होता है, तो वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है यहाँ पे। तो कोलन के अंदर जो है ना वो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है, जो जो फाइनल चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। ये एब्जॉर्प्शन रेक्टम तक चलती है, रेक्टम के अंदर जो भी इनका वेस्ट मटेरियल है ना उसे कुछ वक्त के लिए स्टोर किया जाता है ताकि मैक्सिमम वाटर जो है वो इससे एब्जॉर्ब किया जा सके, और जब मैक्सिमम वाटर निकाल लिया जाएगा तो जो चीज़ ये पास आउट करते हैं वो थिक पैलेट्स की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है या पेस्ट की फॉर्म में होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। इस तरह से न्यूट्रिशन होती है कॉकरोच के अंदर। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आई होप समझ आया होगा।